इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और 400 पार बनेगी। शासन है मोदी जी का बिल्कुल बहुत अच्छा शासन है, सब लोग सुरक्षित हैं। जैसे कांग्रेस सरकार बोलती थी हम करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, आज तक वो कुछ नहीं कर पाई। आलोक शर्मा जी लाखों से भी अधिक मतों से इस विधानसभा से जीतेंगे कम से कम। व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और मोदी सरकार ऐसी हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देती है। हेलो नमस्कार, मैं अमित आयरन। आज हमें भोपाल लोकसभा क्षेत्र में इंदौर भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर यहाँ ग्राम भैंसाखेड़ी के मतदाताओं से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं और हम आम जनमानस की मन में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेके और वो क्या सोचते हैं, आज ये उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अवध। मेरा नाम है मेरा अवध जी। आप यहीं इसी जगह के रहने वाले? जी बिल्कुल। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और 400 पार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या कारण है कि आपको 400 पार का आंकड़ा पार होते लग रहा है? क्योंकि कि मोदी जी ने जो काम करा है वो देश के आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा था। जैसे कि राम मंदिर ले लो, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी भारत के लिए, वो मोदी जी ने हमें दिया है, तो हमारा एक वोट तो बनता है उनको देने के लिए। राम मंदिर के अलावा ऐसे कौन से मुद्दे थे जो उन्होंने और उन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देके काम किया? देखिए, उनने सारी व्यवस्था ठीक कर दी है, जैसे रोड, बिजली, पानी, सड़क। आप किसी भी चीज को देख लो ना, उठा के आज तक का इतिहास है, ओवरब्रिज इतने हैं, लाइट, आजकल छोटे से छोटे गांव में पक्के मकान, सबसे बड़ी सुविधा पक्के मकान, लेडीजों को रसोई गैस, हर चीज तो दी है। तो एक वोट तो बनता है जनता का जो मोदी जी को दिया जाए। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये योजनाओं के विकास जो हो रहा है, ये योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, इसे आम आदमी को फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। छोटे से छोटे स्तर आदमी को, जिसको कुछ नहीं पता, उसको भी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आज देख लीजिए, हर किसी को मुफ्त में राशन मिलता है। भाई गरीब के घर में तो राशन आता है ना, उससे उसका घर चलता है। रसोई गैस देख लो, आज आप सड़कें देख लो, बिजली देख लो, सब चीज अच्छी है। तो मोदी जी को वोट तो बनता है हमारी तरफ से। कोई एक ऐसी योजना जिससे आपको डायरेक्ट इस चीज का फायदा मिल रहा हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत। आयुष्मान जो भारत, भाई गरीब इंसान अपन बीमार होगा तो इलाज करवाने कहाँ जाएगा? किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आयुष्मान लेके जाओगे तो आपका इलाज हो जाएगा। तो इतनी अच्छी योजनाएं दी तो वोट तो बनता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो सरकार है उससे आप कितना खुश हो? उससे आपको उसकी योजनाओं से क्या फायदा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है, देख सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जो बहुत सारे सस्पेंस में रहे केस, मतलब सस्पेंस में रखा, क्लियर नहीं करा, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक वोट जो है वो कट जाते। कौन से मुद्दे? धारा 370 कांग्रेस चाहती तो कब का क्लियर कर देती इसे। जैसे मोदी जी आए उन्होंने धारा 370 हटा के इसको क्लियर किया। राम मंदिर का मुद्दा देख लेते हैं, कांग्रेस ने अपने टाइम पे सस्पेंस में रखा इसे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे तो हाई कोर्ट की और लोकसभा की परमिशन, जैसे बहुमत सरकार के कारण ही हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार की वजह से ही मुद्दे सॉल्व हुए? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी सरकार की वजह से ही क्लियर हुआ है। और मैं मानता हूँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा, लेकिन जो सरकार का मार्गदर्शन रहा, काफी हद तक देखा जाए तो सरकार की उससे ही क्लियर हुए ये सब। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि मोदी जी के कारण ही उनके सरकार के कार्यकाल में ये फैसले हुए, तो उसका क्रेडिट हम मोदी जी को दे रहे हैं। नहीं, 70 साल में क्यों नहीं क्लियर हुआ ये? 70 साल से भी सस्पेंस में रहा, मोदी जी के टाइम पे क्यों क्लियर हुए? देखिए, मोदी जी के टाइम पे विकास तो है, विकास को हम सब देख रहे हैं। गाँव में सड़कों का जाल बिछ गया, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, रेलवे, सौगात, वंदे भारत जैसी योजनाएं देश को मिली। और मुझे लगता है वर्तमान में जैसे कि और भी मुद्दे सरकार उठा रही है, बनारस का मुद्दा है, काशी विश्वनाथ का मुद्दा है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर उठा रही है कि आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है? नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है, और जो भी मुद्दे अभी सरकार ने उठाए बिल्कुल सही है, वो गलत किसी भी प्रकार से नहीं है। लेकिन इससे आम वर्ग में जो दूसरा वर्ग है उसमें एक भय का माहौल है मोदी जी को लेकर, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है माहौल आज देश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी के राज में, मतलब जो शासन है मोदी जी का बिल्कुल बहुत अच्छा शासन है, सब लोग सुरक्षित हैं। हम दूसरे देशों को देख सकते हैं, दूसरे देशों को मुकाबले जो है भारत बहुत ज़्यादा अच्छा देश है, सुकून, शांति और अमन से सब लोग यहाँ रहते हैं। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, सरकार कोई अच्छा काम कर रही है? आज रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। नहीं, ये सब बातें हैं। आज अगर महंगाई अगर आसमान छू रही है तो आज बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देख सकते हैं और अच्छा
बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई का कोई, अगर महंगाई बढ़ी है तो रोजगार, लोगों का पैसा भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है, और ये तो सब बातें हैं। कुछ मुद्दों पे सरकार विफल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ मुद्दों पे जातिगत भावना भड़काती है, धर्म के बारे में ज्यादा ध्यान देती है, शिक्षा रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे आपको लगता है कि हम उनको अनदेखा कर रहे हैं, या लगता है कि आप सरकार या विपक्ष इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है विपक्ष भी पहले सत्ता में रहा है, तो विपक्ष का तो काम ही है, सरकार की कोई भी विकास कार्य योजना आती है उसका विरोध करना तो मेन, ये सब काम तो अच्छे कामों की भी निंदा करता है विपक्ष। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार जो मुद्दे सुलझा रही है वो आम जनमानस से कहीं ना कहीं उन मुद्दों का सुलझना देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रभावित ना हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और मतलब जो मुद्दे अटके हुए हैं सालों से, बरसों से, वो सारे मुद्दों को क्लियर कर रही है सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप तो मोदी जी को ही वोट दें। और हमारे साथ यहाँ पंडित जी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। नमस्कार महाराज। जी सर। आपका नाम सर? रोहित शर्मा महाराज। महाराज ये पूछा जा रहा आपको, राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझने के बाद आपको लगता है कि ये मुद्दा आने वाली सरकार ने जो सुलझाया है, वर्तमान सरकार ने जो सुलझाया है, आने वाली पीढ़ी को इस मुद्दे से क्या फायदा होगा? फायदा है ना, बहुत फायदा मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, जिसने हम इतने सालों से जो संघर्ष के बाद में राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, ये मेरे हिसाब से और कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। जैसे कांग्रेस सरकार बोलती थी हम करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, आज तक वो कुछ नहीं कर पाई। और हमारे मोदी जी ने कुछ ही सालों में इतना बड़ा मुद्दा जो है सोल्व सुधार दिया है, तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है राम के प्रति और आस्था जगेगी उनके मन में। वर्तमान में सरकार कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर के मुद्दे का भी कोर्ट में केस चल रहा है, उनका सर्वे चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे आम जनमानस कहां तक मोदी जी से इस बात से जुड़ पाएगा कि धार्मिक मुद्दे ही उठाती है सरकार और व्यवसायिक या रोजगार के विषय में या महंगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं कर पा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धार्मिक स्थानों के विषय में तो सरकार सोचती है, लेकिन रोजगार के बारे में भी, जैसे युवाओं को कुछ जो कुछ लोन चाहिए रहता है तो सरकार उनको युवा लोन भी देती है और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी मुहैया कराती है। जैसे पहले के टाइम में कांग्रेस सरकार में कोई भी चीज़ बहुत कठिन होती थी, लेकिन आज के समय में इतना सरल हो गया है, आप बैंक जाइए और बैंक जाते ही युवाओं को नाम मात्र के कागजों में लोन मिल जाता है। इससे अच्छा और कौन सी सरकार कर सकती है? कोई ऐसी सरकारी योजना जो केंद्र सरकार की, इससे आपको उसका फायदा मिल रहा हो? बहुत सारी योजना है, जैसे सरकार गरीबों को घर बना के दे रही है, चुनाव लड़ रहा है, क्यों लगता है आपको कि विपक्ष का एकजुट होना क्या दर्शाता है? विपक्ष में जैसे कि जब एक शेर आता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, ये स्थिति हो गई है मेरे हिसाब से। तो नहीं देखिए, तो उनका कहना है कि हम मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि उन्होंने देश में महंगाई के विषय में काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, तो आपको लगता है कि ये जो सारी विपक्ष एकजुट है वो इस मुद्दे पे होकर आगे काम करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे आज देख लो वंदे भारत जैसी ट्रेनें सरकार गवर्नमेंट चला रही है, और आज नितिन गडकरी का देख लो, नितिन गडकरी जी जो है आज लगभग 1.5 लाख किलोमीटर रोड भी बन चुके हैं अपने भारत में, और कई चीजें हैं, मतलब पहले इतना कुछ नहीं था, हर चीज डबल हुई है ये 10-15 सालों के अंदर अंदर, जो है विकास दर बदर बढ़ रहा है। वर्तमान में भोपाल लोकसभा क्षेत्र से आलोक शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के, कितना लगता है कि आपको राजनीतिक करियर देखा जाए दोनों का अगर, तो आपको क्या लगता है उसके क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान के हिसाब से तो आलोक शर्मा ही विजय होंगे, और राजनीतिक करियर में तो आलोक शर्मा जी बहुत आगे हैं, और मेरा तो अनुमान यही होता है, कहता है कि बहुत सारे अच्छे वोटों से जो है वो विजयी होंगे। पूर्व में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने लगभग 4 लाख मतों से दिग्विजय सिंह जी को हराया था, तो आपको लगता है कि वो आलोक शर्मा उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ, 4 लाख प्लस ही जाएंगे मेरा जी। लगता है आपको अरुण श्रीवास्तव जी भी राजनीतिक कद है उनका, कांग्रेस में अच्छे पद पर हैं और काफी टाइम से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और वर्तमान में उन्होंने कास्ट वोटर्स को ध्यान में रखकर उनको टारगेट किया है, 2 लाख मतदाता हैं कास्ट, अगर 2 लाख मतदाता 50% भी उनके फेवर में जाते हैं तो अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं आलोक शर्मा जी? मेरे हिसाब से तो जब आलोक शर्मा जी जब महापौर थे उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया था, महापौर रहते हुए चारों साइड विकास किया था, बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो
जनता उनको चाहेगी विकास के तौर पर। बाकी भेदभाव तो जनता लगभग मेरे हिसाब से भूल चुकी है, जातिगत तो उनको बहुत कम वोट मिलेंगे। पूर्व में आलोक शर्मा जी लोकसभा चुनाव लड़ने से पूर्व विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और हार चुके थे, तो उस विषय में आपको लगता है कि आलोक शर्मा जी एक दमदार कैंडिडेट साबित हो सकते हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं को ही महत्व दिया जाता है और आलोक शर्मा जी जो है एक पुराने कार्यकर्ता रहे, एक हार से उनके कार्य शैली पे या उनके जो उन्होंने महापौर रहते हुए जो कार्य किए हैं उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो एक सीट ऐसी सीट है जहाँ आप देख सकते हैं कई वर्षों से एक अलग ही समुदाय के लोगों को द्वारा मतदान किया जाता है, अधिकतर ही मतदान करके उनके पक्ष को जिताया जाता है, तो वो एक सीट से आप उनके विकास को या उनके द्वारा जो किए गए कार्य उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, विधानसभा क्षेत्र का एक सीमित क्षेत्र होता है, एक सीमित दायरा होता है, और लोकसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है, लगभग 8 विधानसभाएं लगती हैं मध्य प्रदेश भोपाल सीट पर। आपको क्या लगता है कि आम मतदाता आलोक शर्मा जी से इतना जुड़ा होगा क्योंकि वो भोपाल से ही राजनीति करते थे, भोपाल के अलावा इतना बड़ा दायरा रखता है आपको उनका? देखिए, आप देखेंगे जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्रीवास्तव जी और आलोक शर्मा जी, आप अगर जनमानस में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 90% से भी अधिक लोग जो है आलोक शर्मा जी को नाम से और शकल से और व्यवहार से जानते हैं, जो उनसे रोज मिलते होंगे, कहीं ना कहीं महापौर रहते हुए उनको रोज संपर्क हुए होंगे उनसे, मगर श्रीवास्तव जी उनको शायद जानते भी नहीं है लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि उन कांग्रेस वाले भी नहीं जानते होंगे उनको इतने भी अच्छे से, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी नहीं जानते होंगे, तो उसी समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति कितना जनता के बीच रहा है। लेकिन कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के समर्थक रह चुके हैं, सुरेश पचौरी के वो खास समर्थक थे, सुरेश पचौरी जी ने अचानक बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो इससे अरुण श्रीवास्तव जी के राजनीतिक करियर पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, वो उनका आपसी मामला है, उनके घर का मसला है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो विकास डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले मोदी जी के कार्यकाल में पिछले दो कार्यकाल में जो करती आई है, शिवराज जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, जो जनहित योजनाएं लाई हैं, अभी जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, और इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने विधानसभा में इतने कार्य किए हैं कि आलोक शर्मा जी लाखों से भी अधिक मतों से इस विधानसभा से जीतेंगे कम से कम। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपना आधा समय उज्जैन इंदौर और प्रवास पर ही बिताते हैं, भोपाल के लोगों को बहुत कम ही उनके दर्शन होते हैं। काफी लोगों से मैं इस बारे में सुन चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी भोपाल प्रवास पे बहुत कमी मिलते हैं, आपको क्यों लगता है कि वो अपने उज्जैन क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सिर्फ भोपाल के नहीं है वो, कि एक सिर्फ भोपाल में ही रहे, वो उज्जैन में भी उनकी विधानसभा लगती है तो वहां भी रहते हैं, वो उज्जैन में भी रहते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं, मुख्यमंत्री है पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, दिल्ली भी जाना पड़ता है, उनको अनेकों कार्य रहते हैं और जनता के लिए तो उपलब्ध रहते ही है ना, वो जनता के लिए जो और जनप्रतिनिधि है वो उपलब्ध है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्ध रहते हैं, विधायक उपलब्ध रहते हैं, महापौर पार्षद सब उपलब्ध रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास में काफी योगदान दिया है, आम जनमानस का ऐसा मानना है, तो दोनों के मुकाबले आपको क्या लगता है ज्यादा बेस्ट मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है, और मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह चौहान जी भी पहले कार्यकर्ता ही थे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं मोहन यादव जी भी कार्यकर्ता थे, तो आप कार्यकर्ता को कार्यकर्ता से कंपेयर नहीं कर सकते। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से शिवराज सिंह पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि अब विदिशा से चुनाव लड़के केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे? हाँ, तो मध्य प्रदेश से जो उनका लगाव है वो कम हो चुका है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और मोदी सरकार ऐसी हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देती है। वो चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है जैसे काम उन्होंने अपने सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए किए हैं वैसा ही वो पूरे भारत के लिए किए, जैसे कृषि मंत्री या कोई अन्य कोई मंत्री यदि उन्हें पद यदि दिया जाएगा तो वो पूरे भारत के लिए विकसित भारत या कृषि में विकसित भारत में अपना भारत आगे बढ़े, ऐसा योगदान शिवराज सिंह जी का हो ऐसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व घोषणा करी थी कि गेहूं पर 2700 रुपए का रेट देंगे, लेकिन आज वर्तमान में वो रेट नहीं दिया जा रहा है किसानों को। मैंने अभी एक पिछली कवरेज करी थी उसमें किसानों ने इस बात को लेकर शिकायत भी करी थी, तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, सरकार को जो है किसान नहीं हर व्यक्ति के विषय में सोचना पड़ता है, यदि आज यदि गेहूं 150 रुपए 2700 रुपए उन्होंने बोला था,
लेकिन गेहूँ 2400 रुपए समथिंग सरकार खरीद रही है, पिछली साल सरकार ने 2200 खरीदा था, तो कहीं ना कहीं 200 रुपए तो बढ़े हैं, 150 रुपए बोनस मिल के बोनस मिलेगा तो, और सरकार आगे धीरे धीरे बढ़ाएगी। यदि आज बढ़ा देगी 2700, फिर सरकार किसान मांग करेंगे 200 और बढ़ाओ तो 2900 हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे। लेकिन पूर्व में चुनाव से पूर्व ये वादा किया गया तो इसे चुनावी वादा ही समझा जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगी। मेरा तो सोचना यही है कि सबके बारे में, सबके हितों में सरकार सोच रही है, सबका साथ सबका विकास रख के। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।